जब विश्वामित्र ने ज्यादा भक्ति की तो नारद जी एक दिन इंद्र जी से बात करते कि विश्वामित्र ने मृतलोक में इतनी तपस्या कर दी कि आपके सिंहासन के नजदीक है, तो फिर आपस में बतलाते हुए नोक लगे भाई फिर उसकी तपस्या को भंग कैसे किया जाए। एक दृष्टांत बताया पंडित जी ने, इस बारे में ध्यान से सुनना क्या कहा क्या बताया। एक समय में देव भूप की नारद जी से मिला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। एक समय में देवभूप की नारद जी से मिला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। हुआ है तो बेटी सिर चोटी करवा के तैयार हो जा, और कैसे उसकी मां उसको सुझाव देती है धैर्य से प्यार से विदाई करने की, उसको प्लानिंग समझाती है और एक बात के द्वारा क्या समझाती है कैसे हाथ धोके सिर करवाने तन साजन घर जाना से और बड़ी प्रेम में ये आज की साजन घेर नहीं आना से प्रेम में आज किसान फेर नहीं आना से हाथ धोके
सो ज्ञानी पुरुष से समझने वाले या बातों में विश्वास करते अना तो कई देने होगा जब हमने राम देखा है ना, हमने कृष्ण देखे ना और ये भगत देखे ना, किस पे विश्वास करें। लेकिन जिनके मन में विश्वास है, विश्वामित्र के उस शक को तोड़ने के लिए ऊर में इनका पहले आई, ऊर में इनका को भेजा, लेकिन ऋषि विश्वामित्र में इतना सत था, वह जब नाचन लगी पिंडी थी फूक दी, वापस आती है इंद्र महाराज के पास में, क्या ऋषि में बहुत ज्यादा तप है। फिर कामदेव का सहारा लिया, कामदेव ने समझाने लग गया कि यो काम कर दे क्या। कई हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं वो अनग्रहण नहीं करते, सिर्फ घास ही खाते हैं थोड़ी मोड़ी। घास के ऊपर के कामदेव ने अपना रस बखेरिया, वो घास का जब उस विश्वामित्र ने खान पान किया, वापस भक्ति में बैठा, आके फिर हूर में इनका नाचन लगी। तपस्या से ध्यान भंग हो जाता है, आंख खुलती है, अकेली मेनका नजर आती है। ब्राह्मण के बोलने को टेक रहे क्या, देखे आंख खुली जब ओए आंख खुली नहीं देख मेनका काम से काया हाल पड़ी, उठ आसन से भोग किया
ना ऊंच नीच की ख्याल पड़ी। वत माया रूपी कन्या थी तो अलटी घर न चाल पड़ी। सब करी तपस्या भंग होगी क्योंकि बचपन ही संभाल पड़ी। ओ रे हर सीना बनिया गृहस्थी, रे हर सीना बनिया गृहस्थी। उनके बीच में मध्यम कला हुई यशवानी करी। सौमती की माँ सब तैयारी कर लेती है और इशारे इशारे में अपनी बेटी को उसके कान में आवाज भी डालती रही। बेटी हर माँ का कर्तव्य बनता है, जब बेटी घर से विदा होती है, पिता का दरबार पिता का घर चाहे गरीबी क्यों ना हो, लेकिन माँ की ममता इतनी मोह में लीन होती है कि अपने पति से भी लको दबको के अपनी बेटी को जी चाव है कि मैं अपनी बेटी को देती रहूं, मेरी बेटी का जीवन सुख में गुजरता रहे। तीसरी बात में धन माया के इंतजाम कर राखे। हीरे पन्ने कणी मणि मन लाल मगाओ धर राखे। जितने फर्जी बहन बेटी के एक नहीं सिर राखे। यदि एक दुनिया दंग हो जाएगी, देख के दुनिया दंग हो जा मन ईसा रंग पाना से। अकेली मेनका विश्वामित्र को नजर आती तो उसका तब भंग हो जाता। ये बताता लेख कि जब उनके मेल से जो शकुंतला हुई, शकुंतला नाम वैसे नहीं पड़ा, अब उस बच्ची को छोड़ के उधर से मेनका वापस चली जाती है, उधर से विश्वामित्र वापस तपस्या पर बैठता है। लेकिन पक्षियों ने अपनी परों से उसकी छाया करी। सुकून बोला जाता, सुकून पक्षी को, तो उसका शकुंतला नाम पड़ा था। ये पंडित जी ने बताया कि शकुंतला कैसे हुई थी, ये बात रहस्य का छुपा हुआ था। पंडित जी ने इसको उघाड़ के बताया, क्या कहा, जवान पास में मानसती जन ही मिलिया। वे इन वीरा के थलते बच्चा लक्ष्मी तनाव पुरुष भला। ठोकर लागी ज्ञान होया ऋषि फेर तपस्या करने चलिया। विश्वामित्र उर्मेन का, विश्वामित्र उर्मेन का के मेल से शकुंतला हुई। विश्वामित्र
की बिना फड़े ना फूले आई बेल का चीस है जो विदान लिखी भाग में वह बात सच्ची से श्यानी नंदी बहन और व्यक्ति अपने घर अच्छी से श्री लक्ष्मी चंदी साजन मिल के लक्ष्मी चंदी साजन मिल के हर का गुण गाना से ले जाना पड़ेगा।